हिमालय विकलांग संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विकलांग संघ की जिलाध्यक्ष हेमलता पठानिया ने की। इस बैठक में विकलांगों की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हिमालय विकलांग संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विकलांग संघ की जिलाध्यक्ष हेमलता पठानिया ने की। इस बैठक में विकलांगों की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आईआरडीपी किचन में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विकलांगों के साथ किए जा रहे पक्षपात को लेकर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही बसों में विकलांगों को सीट रिजर्वेशन में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की सरकार की नीति का भी विरोध किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में संघ की जिलाध्यक्ष हेमलता पठानिया ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व जिला प्रशासन से विकलांगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की मांग की है। और आज हमारी जो है मासिक बैठक हो रही है और इस बैठक में जो है हम कुछ विकलांगों को जो समस्याएं आ रही है उनके ऊपर चर्चा की। और हमारा जो सबसे पहले जो है जो आईआरडीपी का जो मुद्दा है वो बहुत ही उलझा सा लग रहा है। जैसा कि डीसी महोदय ने आदेश दिए हैं कि 70% से ऊपर जो भी दिव्यांग होंगे उनको आईआरडीपी में डाला जाएगा, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत के जो नुमाइंदे हैं वो ये कहकर टाल रहे हैं कि आपकी जो है इनकम लगेगी, जबकि 70% जिसके परिवार में 70% जो दिव्यांग होगा उसको जो बिना इनकम के जो है आईआरडीपी में डाला जाएगा, लेकिन वो इनकम का क्राइटेरिया मांग रहे हैं। और बहुत सी पंचायतों की ऐसी शिकायतें आ रही है कि वो विकलांगों को आईआरडीपी में डालने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। जैसा कि हाल ही में बीर पंचायत में परसों 21 तारीख को जनरल हाउस हुआ, तो वहाँ पे सेक्रेटरी एक दिन पहले जो है उस लड़के के घर गए थे। 20 साल का बच्चा है, बिल्कुल लाचार है, 75% दिव्यांग है, कुदरती उसको बेचारे को पता नहीं कैसे विकलांग हो गया, लेकिन उसको आईआरडीपी में डालने से मना कर रहे हैं क्योंकि उसके फादर जो है वो होमगार्ड में है, तो उस बच्चे को शुगर की प्रॉब्लम भी है और उसके इलाज में जो उनकी जो सैलरी है वो सारी जो है उस बच्चे के इलाज पे ख़त्म हो रही है, लेकिन उसको सेक्रेटरी ने मना किया कि इसको जो है आईआरडीपी में नहीं डाल सकते। और कहा अगर इसको आईआरडीपी में डालना है तो इसकी जो है शादी करानी पड़ेगी, तब इसको आईआरडीपी में डालेंगे। तो अगर ऐसे बच्चे की शादी, इस ऐसे बच्चे के साथ कौन शादी करेगा जो अपना चल फिर नहीं सकता, अपने हाथ तक नहीं ला सकता, वो शादी करके क्या करेगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस नीति को जो है स्पष्ट किया जाए और जो 70% से अधिक जो दिव्यांग है उनको बिना इनकम के जो है आईआरडीपी में डाला जाए, और जो भी जो अन्य हमारे दिव्यांग है 40% से ऊपर उनका जो इनकम का जो क्राइटेरिया बनता है उस हिसाब से उनको आईआरडीपी में डाला जाए। ऐसे खाना पूर्ति करने से अच्छा है कि वो एक स्पष्ट नीति बनाए।